खबर है यूपी के आजमगढ़ जिले से, जहां छत से उतरकर चोरों ने खंगाला घर। जी हां, खबर है यूपी के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां करुई बनरपुरवा गांव में रत्नाकर यादव पुत्र स्वर्गीय रामचेत यादव, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, चुनाव प्रचार को लेकर घर से बाहर गांव में गए हुए थे। इधर परिवार के लोग खा पीकर सो गए। रात में लगभग 11:30 बजे जब घर लौटे तो घर का सामान बिखरा देख हतप्रभ रह गए। घर के पिछवाड़े नीम के पेड़ के सहारे चढ़कर सीमेंट का चादर हटाकर चोर घर में उतरे। गोदरेज की अलमारी की चाबी घर में थी। अलमारी खोलकर उसमें रखा 2.5 लाख रुपया नगद और लगभग 28 थान जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने लिखित शिकायत स्थानीय थाने पर दर्ज कराई। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई। देखें मार्टिनगंज से मूलचंद यादव के साथ अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम है रत्नाकर यादव, ग्राम पोस्ट करवी बनपुरवा, थाना दीदारगंज, जिला ब्लॉक तहसील मार्टिनगंज, जिला आजमगढ़। तो ये घटना कब हुई? ये घटना सर 9:30 बजे लगभग हम खाना वाना खा कर यहाँ से चले गए थे। ग्राम पंचायत का चुनाव है, चुनाव भी हम लड़ रहे हैं इस समय, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं यहाँ से वर्तमान। तो गांव चले गए थे, कुछ लोग बुलाए के लिए, वहाँ हम एक रूम लिए, कार्यालय है जो कुछ वहाँ चले गए थे। वहाँ से 11:30 बजे के बाद ही हम चले वहाँ से। यहाँ जब आकर दरवाज़ा खोलने लगभग 11:47 पे, तो ये सब सामान हमारा जो है दरवाज़ा मतलब ऊपर से करकट हटा कर कोई घुस गया है, और सारा जो है सामान और जेवरात, पैसा भी 2.5 लाख रुपए था और लगभग 27-28 थान गहना भी था, सब लेकर फरार हो गया ऊपर से। सौ नंबर वाले भी आए थे और इस हल्का के नायब दरोगा भी आए थे। क्या बोले वो? बोले चलिए ठीक है, अज्ञात में मुकदमा करा दीजिए, आपके साथ जो है ऐसा हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े साहब के यहाँ भी हम लोग दरख्वास्त देकर आए, इस समय आश्वासन दिए है। हाँ, आश्वासन दिए। जी हाँ सर, हम लड़ रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है ताकि जो हम चुनाव ना लड़ पाए।